मैंने ऑफर प्राइस इज नॉट इवन, मतलब ऑफर प्राइस हमको नहीं पता रहता है बाय द कितना। अभी लास्ट में लास्ट सेशन में जो फॉर्म में देखा उसमें बाय द कितना हमको ऑफर प्राइस, मतलब 20 रुपीस हम लोग बोले कि मैक्सिमम 20 रुपीस में हमको मिलेगा, लेकिन इसमें ऑफर प्राइस नहीं दिया होगा, इसमें हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑफर प्राइस क्या है। तो इन दैट केस हमारे जो फर्स्ट पार्ट है सोर्सेस वो हमारा सेम रहेगा, सेकंड पार्ट 25% ऑफ ओनर फंड, फिर कंप्लायंसेस चेंज नहीं हुए, कंडीशंस चेंज नहीं हुई, सेक्शन 77 चेंज नहीं किया, जो ऑफर प्राइस दिया है या नहीं दिया वो उससे मतलब नहीं है, वो भी सेम रहेगा। थर्ड मिनिमम ओन फंड्स विल आल्सो रिमेन सेम। फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक वो लिस्ट ऑफ अभी 1-3 हो जाएगा। अभी हमको पता चल रहा है यहाँ पे हमको वी आर गेटिंग 10,000 रुपीज, यहाँ पे अगेन 7,000 और यहाँ पे 4,000, 5,000। तो अब मैं जो नॉर्मली हमारे बायबैक में जो प्राइस दिया होगा, ऑफर प्राइस दिया होगा, तो मुझे पता है कि ऑफर प्राइस क्या है, लेकिन इसमें ये नहीं पता है। तो इसमें मेरा फोर्थ पॉइंट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, मुझे मैक्सिमम पॉसिबल कितना करना है, और वो क्या है लिस्ट ऑफ 1, 2, and 3 तो मैं इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालूंगा कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने कर सकता हूं, जो कि मेरा होगा 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और देखूंगा क्या मेरा 5,000 से कम हो रहा है या ज्यादा, क्योंकि मेरे को तो पता चलेगा कि मैक्सिमम मैं कितना पैसे से खरीद सकता हूँ, तो 5,000 खरीद सकता हूँ, सपोज मेरा 5,000 ही हो गया, तो इंडेक्स माई फिर मैं ये देखूंगा फिर पता सर, देन माई सिक्स पार्ट विल बी कि मेरे को मैक्सिमम कितना मैं ऑफर प्राइस दूं सामने वाले को, मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस, यहाँ पे अपने को ऑफर प्राइस बताते हैं, वहां पे हम लोग वो बायबैक का जो ऑफर प्राइस दिया था हम लोग क्या देखते थे कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकता था, यहाँ पे मैं मैक्सिमम ऑफर प्राइस मैं कितना ऑफर करूँ, कितना ऑफर कर सकता हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट पता है मुझे, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। तो मेरा खाली शफल क्या हुआ, पहले मुझे पता था कि मैं मैक्सिमम कितना खरीद सकता हूँ पैसा, लेकिन इसमें ये नहीं बताया, लेकिन इसमें मुझे ये कैसे पता चलेगा, जब मैं देखूंगा मेरे रिजर्व फंड्स, ओन फंड्स और मिनिमम ओन फंड्स में मेरा कितना है, तो मैं देखूंगा मुझे पता चलेगा कि 5,000 का मैं मैक्सिमम शेयर खरीद सकता हूँ, तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने नंबर खरीद सकता हूँ, और फिर मैं ऑफर प्राइस कितना खरीद सकता हूँ। मतलब पहले मैं आपको अगर 20 रुपीज दिया होगा तो इसमें आप 20 रुपीज निकालोगे।